से गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि गुजशत वीडियो में हमने जिक्र किया था कि कौन सा लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करना चाहिए शरीयत में क्या हुक्म है कि आपका लाइफ पार्टनर आपका शौहर आपकी बीवी यानी मर्द के लिए औरत के लिए उसका जोज उसका लाइफ पार्टनर कौन होना चाहिए आज हम जिक्र करेंगे कि निकाह किसके साथ किस तरह और किस सूरत में होता है पहला यह है कि अयाम सेलेक्ट करने चाहिए जब आप शादी कर रहे हैं तो आप अयाम सेलेक्ट करेंगे कि किन दिनों में करना चाहिए खुशी के दिन हों मुसीबत के दिन ना हों महलैत की शहादत के दिन ना हूँ उन दिनों में नहीं करना चाहिए खुशी के दिनों में करना चाहिए और अकरब के अयाम ना हों महीने में ख़ास अयाम होते हैं जो अकररब के होते हैं उनमें भी मकरू है निकाह करना कमर दर अकरब में निकाह मकरू है ख़ुद भी पढ़ा जा सकता है वकील के जरिए भी निकाह पढ़वाया जा सकता है ज़्यादातर मशहूर और अमूमी यही है कि निकाह पढ़ पढ़ने वाला निकाह ख़ान होता है ख़ुद इंसान कम ही पढ़ता है अपना निकाह तो वो खुद भी पढ़ा जा सकता है उसके सीगे अलग हैं वकील के जरिए पढ़वाया जा सकता है उसके सीगे अलग हैं मुस्तहब यह है कि गवाह हूँ गवाह तलाक में होना ज़रूरी है निकाह में होना ज़रूरी नहीं है मुस्तहब है ये कंसेप्ट कलेर नहीं है बाज़ मोमिन का इसलिए वो काफ़ी सवाल भी करते हैं कि निकाह में ये शर्त क्यों नहीं है शरीयत का हुक्म है मुस्तहब ये है क्योंकि निकाह में जब लड़की के वालिद की इजाज़त ज़रूरी है लड़की का वालिद राज़ी है इजाज़त दे चुका है तो उसके बाद वो आ, मजीद गवाहों की जरूरत नहीं रहती निकाह में हम मुते की वीडियो में भी जिक्र कर चुके हैं उसमें भी काफ़ी लोगों ने सवाला किए थे कि शरात में जो है ना आपने कहा है कि गवाहों की जरूरत नहीं है गवाहों की जरूरत ना निकाह मुता में है ना निकाह दायमी में है मस्तहब ये है कि निकाह में गवाहों वाजिब नहीं है क्योंकि जब आप फिर एक इशकाल तश्यो के अलावा लोगों ने किया था कि ये तो एक जनाह की किस्म हो गई जनाह की कस्म किस तरह है मुते के मुता पर हम तफसली वीडियो बना चुके हैं यहाँ बस एक जिक्र करते चलें कि वालद की इजाज़त ज़रूरी होती है निकाह में चाहे वो मुता हो या दैमी हो अगर वो पहले से तलाक़ याफ्ता थी या उसका शोहर फौत हो तो चुका था तो उस सूरत में वो चाहे वो दैमी करे या मुता करे उसको किसी सूरत में भी वालद की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है अगर पहले से शादीशुदा नहीं थी तो फिर वालद की इजाज़त की ज़रूरत है तो किसी भी सूरत में मुता जो है उसको जना नहीं करार दे सकते कुरान का हुक्म है आयत है इसी तरह रिवायात अदीस मौजूद हैं मुता की नफी करने वाले कुरान की नफी करते हैं हम ये नहीं कहते कि मुता होना चाहिए और निकाह दहमी ख़त्म हो जाना चाहिए लेकिन हलाल मोहम्मदी मौजूद है उसको यह कहना कि खत्म हो चुका है शरीयत मोहम्मदी में जो मौजूद है उसको हम अपनी मर्जी से ख़त्म नहीं कर सकते गवाह नहीं है निकाह में लेकिन मुस्तहब ये है कि गवाह होने चाहिए लोगों को बुलाया जाए जब अक़द हो रहा हो दो मोमिन का एक मोमिन मोमना का जब निकाह हो रहा हो तो उस सूरत में मोमिन को बुलाया जाए लोगों को बुलाया जाए मुस्तहब यह है कि उसके गवाह भी हों और खुतबा हो खुतबे में क्या हो खुदा की वहदानियत अल मोहम्मद पर सलाम ये पढ़ा जाए और उसके बाद अकद निकाह पढ़ा जाए जो उसके सीगे हैं ख़ास रात को रात को जुफाफ़ हो यानी कि जो शादी हो वो रात को होनी चाहिए मुस्ताहब है और वलीमा भी किया जाए चाहे वो शादी से रुकते से पहले ज़ुफाफ़ से पहले किया जाए या बाद में किया जाए अमूमी तौर पे बाद में किया जाता है पहले भी कर सकते हैं वलीमा भी मुस्ताहब है करना चाहिए ईजाब कबूल ज़रूरी है इजाब कबूल से मराद ये है कि शौहर कहे कि मैं ये अब अरबी सीखे हूँ कि मैं इस महर मालूम यानी यह जो मैं हक महर दे रहा हूँ इसके बदले में मैं निकाह कर रहा हूँ और ख़ातून कहे कि मुझे कबूल है इसी तरह खातून कहे कि मैं इस महर मालूम के वज़ में ख़ुद को निकाह में देती हूँ और मर्द कहे कबूल है तो ये निकाह हो जाता है इशारा या किताबत काफ़ी नहीं है एक शख्स इशारे से कहे कि मेरी शादी हो गई है और उसने खुतबा नहीं पढ़ा निकाह का अक्त नहीं हुआ तो वो काफ़ी नहीं है इसी तरह लिख के कह दिया कि ये मेरा अक्दनामा है या तलाक नामा है वो भी काफ़ी नहीं है इसी तरह एहतियात -e लजूमी यह है कि ये अरबी में हूँ सीगे जो ये सीगे पढ़े जाएँ निकाह के अरबी में पढ़े जाएँ गैर अरबी में चाहे वो निकाह दायमी हो या मुता हो इनके सीगे अरबी में पढ़े जाएँ अगर अरबी में बिल्कुल मुमकिन नहीं है आप नहीं जानते अरबी नहीं सीख सकते तो उस सूरत में आप फिर दूसरी ज़बान में भी इसको अदा कर सकते हैं एहतियात -e लजूमी ये है कि ये अरबी में होने चाहिए इसके निकाह के और मुता के चाहे जो भी अक़द हो दायमी हो या मुनकते अरबी में होने चाहिए सीगे सीगा क्या है औरत कहे मसलन अरबी में अब सीगा पढ़ने जा रहा हूं चाहे वो दायमी हो या गैर दायमी यानी मुता हो या दायमी निका हो अगर खुद पढ़ रहे हैं मियाँ बीवी अगर वकील पढ़ रहा है तो उसके अलग सीखे हैं वो खुद पढ़ता है जानता है उसको बेहतर है खुतबा और तमाम चीज़ें वो जो पढ़ने वाला होता है उसको पता है और बाकी तोजी और मसायल या दीगर शरी किताबों में ये सीखे लिखे हुए हैं अगर मियाँ बीवी ख़ुद पढ़ रहे हैं यानी लड़का लड़की जो मियाँ बीवी बनने जा रहे हैं अगर वो खुद सीधा पढ़ते हैं तो सूरत में औरत कहती है कि माहर तय कर लेंगे अगर दायमी अकद है हक महर तय कर लेंगे अगर मुता है तो उसमें हक महर और वक्त महदूद कर लेंगे तय कर लेंगे उसके बाद ये सीखा पढ़ेंगे औरत कहेगी कह तो का नफसी असदाकल आलूम अन कह तो का नफसी अदाकल आलूम इसके बदले में मर्द कहेगा कबिल तो तजवीज कबिल तो तजवीज इसी तरह मर्द दोहराएगा औरत जवाब देगी और ये निकाह हो जाएगा मेन पॉइंट इसमें था कि गवाहों की भी ज़रूरत नहीं है और जो वाल इजाज़त वालद या दादा इजाज़त दे देते हैं वो लड़की अकद कर सकती है और उसके लिए उसको मज़ीद किसी इजाजत की या गवाहों की ज़रूरत नहीं रहती अगर वो तलाक़ याफ्त या बेवती थी तो वो अपनी मर्ज़ी से भी निकाह कर सकती है और उसको कोई रोकने वाला शरान उसको नहीं रोक सकता ये थे अहकाम निका के आगे इन शाह हम तफसीली बताएंगे कि निकाह हो जाता है अकद हो जाता है लहनत जुफाफ यानी कि शादी की रात के अहकाम मुस्बात आदाब आदाब मुबासरत इनशा हम जिक्र करेंगे मुमनतमैसे हमें दुआ में याद रखिएगा रखियेगा